Hello friends, welcome to my channel Science Learner. Today in this video I am going to show some important points from the pharmacognosy subject जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, जिनका फार्माकोग्नोसी न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों बच्चों को ये बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें मैं पहले आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बेस्ड आपको एमसीक्यूज आगे मिलेगा. तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा. और इसको हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, दोनों को यूज़ होगा, जो ओल्ड सिलेबस के हैं जो न्यू सिलेबस के हैं. तो जल्दी से अब इस पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फार्माकोग्नोसी का है, डी फार्म फर्स्ट ईयर, आपका फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशन हिस्ट्री प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी. सो लेट्स सी दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी के ऊपर आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, जो कि जो न्यू सिलेबस के हैं उनको इसी पैटर्न पे आने वाला है. यानी कि आपको एमसीक्यूज आएंगे, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा, नहीं तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में आएगा. तो जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ ये साइंटिस्ट डिस्कवरर्स के नाम दिख रहे हैं, एंड राइट हैंड साइड आपको उनके ईयर्स दिख रहे हैं कि कब उन्होंने ये बुक लिखी थी या फिर उन्होंने ये सब चीज़ों की डिस्कवरी की थी. तो आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग के भी उस पर आ सकता है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिखा है, नाम लिखा है साइंटिस्ट का और कौन से ईयर में वो एक्टिव थे, कब से कब तक, उसका भी लिखा हुआ है. तो आप ये भी ज़रा ईयर जो है आप ध्यान में रखेंगे, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है इस टाइप में आ जाए. तो फर्स्ट इज चरखा सुश्रुता आयुर्वेदा 300 BC. यानी कि जब हम आयुर्वेदा की बात जब हम करते हैं, आप इसको बहुत ही नॉर्मल लीजिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि इतना ऐसा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नेम है ये है. आप जब इसको किसी चीज़ से लिंक कर लेंगे या याद करने के लिए आप किसी स्टोरी फॉर्म में कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. और इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, इसको बहुत ईजी वे में किसी स्टोरी से लिंक करते हुए हमें पढ़ना है, ताकि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें और हमको एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें याद आ जाए कि अरे भाई ये है क्या, किसने लिखा था, कब लिखा था और कौन सी ईयर में लिखा था. ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इज चरखा सुश्रुता आयुर्वेदा 300 BC. तो इसको याद कैसे करना है कि जो चरखा सुश्रुता, जब हम आयुर्वेदिक के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ गया फार्माकोग्नोसी में, तो आयुर्वेदा जो था, इस आयुर्वेदा के बारे में सबसे पहले बिगिनिंग में जब हम लिटरेचर वगैरह देखते हैं या डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो किनका नाम आता है, चरखा सुश्रुता का आता है. ये दो साइंटिस्ट या राइटर आप बोल दें, इन्होंने ही मिलकर के क्या किया था शुरू में, बिगनिंग में, यानी कि 300 BC में इन्होंने आयुर्वेदा में ये चीज़ें, यानी कि ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में इन्होंने लिखा था. और ये दो हैं डिस्कवरर, चरखा एंड सुश्रुता. ये अलग अलग नाम है, लेकिन इनको कभी भी एक साथ लिया जाता है, क्योंकि इनका एक कंबाइंड बुक है चरखा सुश्रुता संहिता बोल करके. तो इसलिए ये जो है आयुर्वेदिक के ये फादर भी बोले जाते हैं. फादर कौन है, तो चरखा है. चरखा आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि हु इज द फादर ऑफ द आयुर्वेदा, तो चरखा. और ये एक और डिस्कवरर है सुश्रुता, इन दोनों ने मिलकर के क्या लिखा है, एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, चरखा सुश्रुता संहिता. ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है. ये हमारी कंट्री का है, इसलिए हमको ज्यादा स्ट्रेस देना है, ज्यादा क्वेश्चन हमारी कंट्री से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है ना, हमें अपनी बिगिनिंग, हमें अपने जो मेडिसिन प्रतिधि है उसके बारे में तो मालूम होना चाहिए ना, कि सबसे पहले कौन लाए इसको, किन्होंने इनके बारे में बताया. तो आयुर्वेदा के बारे में सबसे ज्यादा और शुरुआती दौर में किन्होंने बताया, तो चरखा और सुश्रुता जी ने बताया. और उन्होंने किस में बताया, तो उनकी एक किताब थी चरखा सुश्रुता संहिता बोल करके. और कब इनका ये ईयर कौन सा चल रहा है उनका, तो 300 BC. नाउ नेक्स्ट इज हिप्पोक्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, और इनका ईयर क्या है, 460 to 360 BC है. तो फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के फादर, मेडिसिन के फादर किसको बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स. यही क्वेश्चन आपको सुटिक्स में भी था. तो जो भी चैप्टर्स हैं आपके सुटिक्स का है, सोशल फार्मेसी का है या फिर कॉग्नोसी का है, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो ये जो न्यू सिलेबस आया है या पहले वाले में भी इंट्रोडक्शन बोल करके है, तो इंट्रोडक्शन में हमारी हिस्ट्री लिखी गई है उसमें, कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, आयुर्वेदिक के फादर कौन है, फिर सुश्रुता संहिता बुक में लिखा क्या गया है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगे. तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए पांच नाम है, यहाँ पे चरखा सुश्रुता है, हिप्पोक्रेट्स है, इतना. तो ये पांच याद रखने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं, कि आपको इसको, मैं बोली ना आपको स्टोरी में आपको एक कन्वर्ट कर लेना है, तो आप ऐसा करो
कि समझो कि आपके ये डी फार्मा के क्लासेस चल रहे हैं और आपके पांच सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर भी देखिए पांच नाम है, पांच सब्जेक्ट हैं और पांच सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग आपको लेक्चरर्स आते हैं। तो आप ऐसा कर लेंगे कि फर्स्ट पीरियड जो है वो आयुर्वेदा का पढ़ाई होता है उसमें। तो कौन पढ़ाने आता है? तो चरखा चरखा जी एंड सुश्रुता जी, 3 दिन चरखा जी आते हैं और 3 दिन आपको सुश्रुता जी पढ़ा करके जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड आयुर्वेदा का हो गया। और हिस्ट्री भी जब देखेंगे तो इन्हीं का सबसे पहले नाम आता है, चरखा सुश्रुता जी, फर्स्ट पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड आपका मेडिसिन का है, मेडिसिन की पढ़ाई होती है इसमें। और सेकंड पीरियड को कौन पढ़ाने आते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स जी आते हैं, यानी लेक्चरर का नाम क्या है? हिप्पोक्रेट्स। आपको पहले की भी वीडियोज मिल जाएंगे, उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ाया है, उसमें भी मैंने स्टोरी के साथ लिंक किया ताकि आप लोग को ईजी हो जाए, क्योंकि ये बोरिंग थोड़ा लगता है या फिर हम याद भी कर लेते तो भूल जाते हैं, तो आप एक कनेक्ट कर लेंगे कि स्टोरी से। फिर जब तीसरा पीरियड आता है, आपका थर्ड पीरियड हमारा चलता है, तो वो चलता है एनिमल किंगडम, यानी कि जो लेक्चरर आते हैं वो एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग टाइटल के जरिए पढ़ाते हैं। मैं टाइटल क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिस्टोटल हैं, तो टोटल जी है ना, एरिस्टोटल जी, तो इनका ज्यादा लगाव एनिमल से था, तो एनिमल्स को अलग अलग टाइटल दे करके ये हमें पढ़ाया करते थे। कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। यानी कि आप जब हिस्ट्री भी चलेंगे तो सबसे पहले चरखा सुश्रुता जी का नाम आएगा, फिर सेकंड पीरियड हिप्पोक्रेट्स का आता है, थर्ड पीरियड एरिस्टोटल जी का आता है। एरिस्टोटल जी का सबसे ज्यादा लगाव किसके साथ है? तो एनिमल के साथ है। तो एनिमल किंगडम किन्होंने शुरुआती पढ़ाई बताई या फिर उसके ऊपर लिखा गया? तो किन के जरिए लिखा गया? एरिस्टोटल। और यहाँ पे ईयर भी लिखा है 384 to 322 BC। नाउ फोर्थ पीरियड हमारा प्लांट किंगडम पे, पहले एनिमल किंगडम पे पढ़ाई होती है, तीसरे पीरियड में, चौथे पीरियड में प्लांट के बारे में पढ़ाई होती है। प्लांट के बारे में कौन हमें पढ़ाने आता है? तो थियोफ्रेटस जी आते हैं, ठीक है, थियोफ्रेटस जी आते हैं, ठीक है। और इनका ईयर यहाँ पे 372 से लेकर के 287। जब आप इसको लिंक करेंगे, आप अपनी मर्जी है, इट्स योर विश, आप कुछ भी ट्रिक यूज कर सकते हैं क्या भी, लेकिन कम से कम किसी चीज़ से ये लिंक करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाए। तो थियोफ्रेटस जी थे वो प्लांट के बारे में बताते हैं, एरिस्टोटल जी थे उनको एनिमल से लगाव था, एनिमल के बारे में उन्होंने लिखा था, हिप्पोक्रेट्स जी थे वो मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन उनको कहा जाता है। अब देखो जो फिफ्थ पीरियड है आपका, लास्ट पीरियड है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में, प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि जैसे हम फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं? अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके असर के बारे में पढ़ते हैं, कि जैसे कि ये सिन्ना है तो सिन्ना एज ए लैक्सेटिव हम यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग उनका इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं ना, कि जो कार्डियोटॉनिक है तो उसमें क्या आंसर आएगा, अलग अलग जब हम पढ़ते हैं, तो यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लांट किस लिए यूज किया जाता है। तो वैसे ही प्लांट्स के बारे में लिखा और उसका मेडिसिनल यूज लिखा, किन्होंने लिखा? तो डायस्कोरिडाइस ने लिखा, उन्होंने अपने बुक में लिखा, वो बुक का नाम क्या था? दी मार्टिया मेडिका। अब यहाँ मटेरियल से मटेरिया आया, देखिए मटेरिया, मटेरियल इसमें एड लगा दो तो मटेरियल हो जाता है, तो उनके बुक का नाम क्या था? दी मटेरिया मेडिका, मेडिका मेडिसिन से मेडिका आ गया, ठीक है। तो ये किताब का नाम है, बुक का नाम है डी मटेरिया मेडिका, और इसको किसने लिखा था? तो डायस्कोरिडाइस ने लिखा था। कौन से ईयर में लिखा था? तो यहाँ लिखा हुआ है 42 AD तक। अब देखो सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ इज गैलन जी। तो ये गैलन जी का क्या है? गैलन जी गैलन ने क्या दिया था? मैथड ऑफ प्रिपरेशन, गैलेंशियल्स, यानी कि हम जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं ना प्लांट में से, जो जूस वगैरह हम निकालते हैं, अलग अलग हम टॉनिक्स वगैरह, जूस वगैरह जो लिक्विड फॉर्म में मोस्टली निकालते हैं, सॉल्वेंट लेके यूज निकालते हैं, है ना, तो मेन्स्ट्रम लेकर के यूज करते हैं और हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि मैथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में किन्होंने शुरुआती दौर में बताया? तो गैलन ने बताया था। और वो गैलन, उनके नाम से फिर गैलेंशियल्स वगैरह ये वर्ड आया, गैलेंशियल्स प्रिपरेशन करना है ना, एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन करना है, गैलेंशियल्स प्रिपरेशन करना है। और उनके नाम को सम्मान देने के लिए फार्मेसी में एक ब्रांच भी खोला गया, जिस ब्रांच का नाम क्या दे दिया गया? गैलेंशियल फार्मेसी। इसमें सिर्फ, इस ब्रांच में सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, पढ़ाई होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि पांच तो हमारे क्या थे, पांच हमारे सब्जेक्ट्स थे, पांच लेक्चरर्स आते थे, उनके नाम ऐसे ऐसे हो गए कि कोई तो प्लांट के बारे में पढ़ाता था, कोई एनिमल के बारे में, यही आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फिर गैलन जो है, ये गैलन अंकल बोल देना, ये क्या करते थे? प्रिपरेशन है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है? तो गैलन अंकल बनाते हैं, ठीक है, हमारे कॉलेज में। तो गैलन अंकल क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, टी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं,
चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो प्रिपरेशन ऐसा याद आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर सेवेंथ, इन आयुर्वेद द चरखा संहिता एंड सुश्रुता आर रिटन बाय, जैसे मैंने कहा ना कि चरखा एंड सुश्रुता ये दो जने हैं और इन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है, चरखा संहिता है एंड सुश्रुता संहिता है, ठीक है। तो ये नाम आपको, ये पॉइंट याद रख लेना है। फिर लास्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है, फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सिडलर इन 1815। 18th सेंचुरी में ही फार्माकोग्नोसी ये वर्ड आ गया था, ठीक है। इसको, इस वर्ड को लाया गया था, इस वर्ड को कौन लाए थे, सिडलर जी लाए थे, और उन्होंने किस टाइटल लाया था, तो एनालिटिका फार्मा कॉग्नोस्टिका में, इस टाइटल के अंतर्गत ये फार्माकोग्नोसी पहली बार ये वर्ड आई थी। और ये फार्माकोग्नोसी है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक तो यहाँ पे फार्मा कौन आ जाता है जिसका नाम ड्रग होता है, और गिग्नोस्को आता है जिसका नाम होता है टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज गेन करना, ठीक है। नाउ विद दिस लेट्स वी विल सी आपका, हम IQ देख लेंगे या हम सबका देखेंगे, अब मजा आएगा क्योंकि हमने, हमको थोड़े थोड़े पॉइंट्स मालूम हो गए, हमने रिवीजन कर लिया है, और अब जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, और ये फर्स्ट चैप्टर में है, फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया में है, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ये हमारी कंट्री इंडिया में बहुत ये प्रचलित है और हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको कौन लेके आया, एरिस्टोटल नो, हिपोक्रेट्स नो, गैलन नो, सो हु इज द, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चरखा, ठीक है, चरखा, ओके। नाउ नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, जल्दी से याद करें और आंसर देने की कोशिश करें। ए इज एरिस्टोटल, बी इज गैलन, सी इज हिपोक्रेट्स, डी इज नन ऑफ दिस। सो फादर ऑफ मेडिसिन इज हु, याद है कुछ, सो करेक्ट आंसर इज सी, हिप्पोक्रेट्स। नाउ थर्ड, फर्स्ट स्टडीज ऑन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में किसने सबसे पहले जानकारी दी, स्टडीज की और रिटन डॉक्यूमेंट्स हमको मिलता है एनिमल्स के बारे में, तो किसको लगाव था, याद आया, एरिस्टोटल जी थे, गैलन जी, गैलन अंकल थे, कि सिडलर जी थे, कि नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, एनिमल का टाइटल लगा लगा करके नाम याद कराया जाता था या फिर डॉक्यूमेंट लिखते थे, कौन, एरिस्टोटल जी, ठीक है। अब फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टडीज ऑन अ प्लांट किंगडम इज डन बाय, प्लांट किंगडम के बारे में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या लिखा किसने लिखा, ए इज एरिस्टोटल, नहीं इनको तो एनिमल से बहुत प्यार था, थियोफ्रेटस जी या हिप्पोक्रेट जी, या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से याद करें, एरिस्टोटल क्या थे, टाइटल लिखते थे एनिमल के ऊपर, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स किसको बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन को बोलते हैं। तो प्लांट किंगडम पे किन्होंने लिखा था, थियोफ्रेटस जी ने लिखा था, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जब हम थोड़ा नोट्स हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, तो हमको बहुत मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है, और इसी तरह से आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बर्डन भी नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी आप सिलेबस भी कवर करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, प्लांट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज गिवन इन द बुक ऑफ दी मेटीरिया मेडिका बाय, जो प्लांट्स के बारे में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना, बुक्स लिखना शुरुआती दौर में किसने लिखा था, याद कीजिए थोड़ा पुरानी चीजें जो अभी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, क्या डायोस्कोराइट्स जी थे, कि चरखा जी थे, कि गैलन अंकल थे, कि नन ऑफ दिस। तो देखो चरखा तो आयुर्वेदिक से रिलेट करते हैं, गैलन प्रिपरेशन, क्या चीज का प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन, यानी कि एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बनाना, गैलन शील्स वगैरह बनाना, वो तो आंसर क्या है, डाइस्कोराइट्स। जैसे डाइस्कोराइट्स आता है, ये प्लांट से रिलेटेड शुरुआती दौर में जो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे या डिस्कवरर्स थे, तो कौन से डिस्कवरर थे जिन्होंने प्लांट के बारे में सबसे ज्यादा, वो भी मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा था या बताया था, तो डाइस्कोराइट्स जी हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, सबसे पहले ये वर्ड फार्माकोग्नोसी किसने दिया था, तो यहाँ पे ए एरिस्टोटल है, तो फिर से याद करेंगे एरिस्टोटल ने क्या कहा था, एरिस्टोटल जी जो थे टाइटल दिया करते थे एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के बारे में बताया करते थे, गैलन जी थे वो प्रिपरेशंस बताया करते थे कि ये एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, ये प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर सी देख लेंगे, सिडलर जी हैं,
तो सिडलर जी का अभी तक नाम नहीं आया, डी नन ऑफ दिस। तो सिडलर जी जो थे उन्होंने पहले सबसे फर्स्ट फार्माकोग्नोसी, जो आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, ये वर्ड उन्होंने ही लाया था। ये दो ग्रीक वर्ड से बनता है, फार्माकॉन ड्रग होता है उसका मतलब, और गिग्नोस्को का मतलब टू एक्वायर नॉलेज। नाउ सेवंथ क्वेश्चन देख लेंगे। द चरखा संहिता एंड सुश्रुता संहिता वॉज रिट आर रिटन बाय, ये दो किताब किसने लिखी है। तो यहाँ पे तो नाम पूरे दिख रहे हैं ना कि अलग अलग ग्रीक वर्ड्स दूसरे देशों के हैं, तो हमारे देश का कौन है? चरखा सुश्रुता, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा रिलेट करके करेंगे तो आपको भी इजी हो जाएगा, रटेंगे तो याद नहीं होगा कोई भी चीज। एट्थ, फार्माकोग्नोसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मैं अभी बार बार आपको बोल रही थी कि फार्माकोग्नोसी जो ये वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, ये नाम देख रहे हैं, ये पूरा नाम दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक तो फार्माकॉन, तो फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, और गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, ए लिखा हुआ है कि फार्माकॉन का मतलब ड्रग है, एंड दूसरे डैश के लिखा है टू एक्वायर नॉलेज, ये है। चलो ये देख लेंगे। फिर बी क्या है, प्लांट। प्लांट और टू एक्वायर, सिर्फ प्लांट के बारे में बताते हैं क्या फार्माकोग्नोसी? नहीं, सिर्फ एनिमल के बारे में बताते हैं क्या एनिमल टू एक्वायर नॉलेज? नहीं, नन ऑफ दिस। तो ये तीनों तो चीज गलत साबित हो गई, तो करेक्ट कौन सा है? फार्माकॉन का मतलब ड्रग होता है, एंड गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है? टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना। ड्रग, ड्रग मतलब वो सारी दवाइयाँ जो कि हम प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, या फिर हम मिनरल से भी बनाते हैं, उसको ही ड्रग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ए इज द आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ नाइन्थ वी विल सी। नाइन्थ इज, आयुर्वेदा बिलीव्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, आना चाहिए था यहाँ पे ELE, ठीक है, एलिमेंट्स है। यानी कि आयुर्वेदिक क्या बिलीव करता है, आयुर्वेदिक बिलीव करता है कि जो यूनिवर्स के, जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो पांच तत्वों से बनी हुई है। वो पांच तत्व क्या है, वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको करेक्ट एक आंसर ढूंढना है। तो ए क्या है, ए में है कि वो हमारे जो मतलब यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो या तो अर्थ से, वाटर, एटम, फायर, या फिर एयर से बनती है। क्या ये सही आंसर है? या फिर बी देखेंगे, अर्थ है, वाटर है, स्काई है, फायर है, एयर है। सी ओशियन है, वाटर है, स्काई है, फायर है, एयर है। डी नन ऑफ दिस। तो हमने पांच तत्व बार बार हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर से बनता है। तो जो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। आयुर्वेदा इसी पे बिलीव करता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ये पांच तत्वों से बनी हुई हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इज मोस्टली रिटन इन डैश लिटरेचर। जो आपके सिलेबस में दो ही का मेंशन किया हुआ है, एक आयुर्वेदिक का मेंशन किया है और एक सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम का एक मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में। अकॉर्डिंगली दो ही का है मेंशन, एक आयुर्वेदिक और एक सिद्धा, ठीक है। तो इस ये जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये कौन से लिटरेचर में ज्यादा मिलता है, कहाँ के लिटरेचर में? क्या वो संस्कृत लिटरेचर में ज्यादा मिलता है, कि कन्नड़ा में ज्यादा मिलता है, कि तमिल में ज्यादा मिलता है, कि गुजराती में मिलता है? तो आपके बुक में ही दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो सिद्धा सिस्टम है, ये सिद्धा जो सिस्टम है वो किस लिटरेचर में मिलती है? तो तमिल लिटरेचर में मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ ये 10 क्वेश्चन तो हो गया, ये फार्माकोग्नोसी का हो गया। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सोशल फार्मेसी पे भी MCQ अपलोड किया हुआ है, फार्मास्यूटिक्स पे भी है। और अगर लॉन्ग आंसर्स देखना है तो पहले आपको जो पहले वीडियोस हैं उसमें आपको लॉन्ग आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं और या फिर ओल्ड सिलेबस के भी हैं, ये क्वेश्चन जो है ये जरूरी नहीं कि MCQ के फॉर्म में आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर्स, या मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा। और आप जब क्वेश्चन पेपर अपना पैटर्न भी देखेंगे न्यू सिलेबस वाले, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें जब आप बोर्ड के द्वारा जो भेजे गए उसमें जो आप देखेंगे, तो पैटर्न वैसे ही कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स 5 मार्क्स का है, फिर 3 मार्क्स का है, फिर 1 मार्क्स का है। तो नीचे के जो हैं 20 मार्क्स के, वो आपको इसी वन वर्ड आंसर्स पे ही है 20 मार्क्स। और जो ऊपर के 30 मार्क्स भी है, 3 × 10 10 क्वेश्चन आएगा, और 3 3 मार्क्स होंगे, उसमें भी यही होंगे कि डेफिनेशन 1 मार्क्स का पूछ लेगा या वन वर्ड आंसर पूछ लेगा। तो देखा जाए तो 50 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होंगे, यानी आप इजिली स्कोर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं 50 मार्क्स। और उसके साथ साथ जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो बोर्ड से आ रहे हो, कर्नाटका बोर्ड से आ रहे हो, या फिर PCI से आ रहे हो, या फिर राजीव गांधी से आ रहे हो, वो सब आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा, साइंस लर्नर पे। इसलिए इसलिए इसको
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका अगर कुछ भी सजेशन है या कुछ भी नीड है तो वो आप सजेशन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप है, आप उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या लिख सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस टेक केयर, थैंक यू।